वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिंदल स्टील एंड पावर, ये कल भी चर्चा हुई थी, इसकी वीकनेस की कल भी बातचीत हुई थी, इसमें सेल कॉल इनिशिएट भी किया था एक्सपर्ट्स ने, और आज भी मेटल्स में वीकनेस शेयर लाइकली कंटिन्यू हो। एक प्रिफर्ड सेल आपकी स्क्रीन पे वो है जेएसपीएल। रजत दा, कल सारे ऑटोज भी ट्रेंड को बक कर रहे थे, आप लोगों ने एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, वो बैंक्स के पुलबैक को तो प्ले करने की स्ट्रेटजी बता दी। ये कोई बजाज ऑटो जो स्ट्रेंथ एग्जिबिट कर रहा था, कोई मारुति, इन सब पे भरोसा नहीं बन रहा क्या कल के पुलबैक के बाद? देखिए, मैं बजाज ऑटो का बात करता हूँ। बजाज ऑटो में एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है और ये अपना 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर से सपोर्ट लिया है, तो अभी ऊपर की तरफ चल सकता है, लेकिन उसके लिए एक पड़ाव इसको पार करना पड़ेगा, वो है 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 3483 पे है। इसको पार करके 3720 पे है, इसको पार करने के बाद में इसमें कुछ अच्छी मूवमेंट आप देख सकते हैं, और ऊपर में अगर चल पाए तो 3800 से 3840 तक जाने की उम्मीद करना चाहिए। खुलासा, मैं ये खुलासा कर देना चाहता हूँ कि इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट पोजीशंस है वो काफ़ी नीचे से लिया हुआ है और ये कंटिन्यू चल रहा है। ये स्टॉक मैंने अपना क्लाइंटों को ट्रेडिंग के नाते रिकमेंड नहीं किया है, और ऐसा भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं इंट्राडे कॉल देना बंद कर चुका है, तो इंट्राडे कॉल आप लोगों को भी कितना देर दे पाएंगे ये थोड़ा मुश्किल है बोलने के लिए। चलिए, रजत सर की अगर देखिए बजाज ऑटो पे राय, सिर्फ डिस्क्लेमर, उनके पास अगर आप देखें पोजीशंस है भी। गौरांग शाह हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। गौरांग, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरांग, कल आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बाद जो स्ट्रेंथ हमने आईसीआईसीआई बैंक में देखी, और उसने कहीं ना कहीं बाकी वीक स्ट्रक्चर्स लाइक कोटेक, लाइक एचडीएफसी बैंक, इनके डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट किया। कल की आईसीआईसीआई बैंक की नंबर्स के बाद जो बैंक्स का बिहेवियर था, उस पर आपकी राय और आपका प्रेफर्ड स्टॉक आज क्या होगा? धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो आज शो पर आने से पहले ही मैंने मन बनाया था कि मैं बैंकिंग क्षेत्र से ही एक बड़ी निजी क्षेत्र बैंक का सुझाव दूंगा मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए, जिसके नतीजे मेरे ख्याल से इस हफ्ते आ रहे हैं, और वो है एक्सिस बैंक। और मैंने कुछ समय पहले ये भी बात करी थी वीरेंद्र के सर्विसेज क्षेत्र पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस माहौल में हम कामकाज कर रहे हैं, कच्चे तेल के भाव जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, कल जिस तरीके से पाम ऑयल को लेकर के खबरी आए और फिर स्पष्टीकरण हुआ, तो ये सब जो चीज़ें हैं वीरेंद्र, वो शायद थोड़ा बहुत दबाव मैन्युफैक्चरिंग साइड या फिर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जो कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं उन पर दबाव हो सकता है। विपरीत विचार जो है वो बैंकिंग, एनबीएफसीज, आईटी क्षेत्र, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज बड़ी, इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि हमने तीसरी तिमाही पर अगर मैं ध्यान दूं, जो नतीजे एक्सिस बैंक के आए थे उसके आधार पर मुझे लग रहा है कि और जो आईसीआईसीआई बैंक ने नतीजे पिछले हफ्ते शनिवार को दिए, ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये मैं मध्यम से लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ। लंबी अवधि के लिए आप मुझे लक्ष्य पूछे तो करीबन 1050 से लेकर के 1100 तक